सबको कार्ड दिए गए हैं। अब क्या है, हम आज बात करेंगे पूर्व बढ़ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। यहाँ पर मैंने घेरा बना दिया गया है जहाँ संख्या लिखी हुई है, इधर पूर्व बढ़ती संख्या और इधर अनुवर्ती संख्या लिखी। अब पूर्व बढ़ती संख्या होती है, मैं क्या आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक तीन लोगों को बुलाऊंगा, उससे आप सभी लोग देखेंगे। अरे चार नंबर वाला संख्या याद कर दे, कितना हो तुम्हारे पास? चार। अब देखिए संख्या कितनी है, चार है। अब चार की पूर्व बढ़ती संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो पूर्व बढ़ती संख्या उसके ठीक आगे वाली संख्या होती है, मतलब उससे पहले। चार से पहले कितना होता है? तीन। आइए हम चार के बाद कितना आता है हिंदी में? अब देखिए पूर्व बढ़ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को हम इस तरीके से समझें। हमारे पास संख्या थी चार, अब चार से ठीक पहले संख्या कितनी आई? तीन। इसे ही हम पूर्व बढ़ती संख्या कहते हैं कि जैसे उससे एक पहले, मतलब संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो अनुवर्ती संख्या बनेगी ठीक पीछे वाली संख्या, जैसे चार की अनुवर्ती संख्या पांच, और अगर एक घटा दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या तीन, मतलब ठीक पहले वाली संख्या। क्लियर हुआ ना सबको? अब हम किसी दूसरे को बुलाएंगे संख्या, तो कोई भी यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद पूर्ववर्ती उसकी जो संख्या होगी वो व्यक्ति आएगा और अनुवर्ती संख्या होगी वो। सबको अपने अपने कार्ड की जानकारी है ना, कितना नंबर किसके पास है? अब मैं संख्या बोलता हूं, आठ। अब इसकी अनुवर्ती संख्या जिसके पास है वो आके पीछे वाले खाने में खड़ा हो जाए, अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या जिसके पास हो वो आ जाए और इस खाने में खड़ा हो जाए। कितना है तुम्हारे पास? सात। संख्या कितनी थी? आठ थी। तो आठ की पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई? सात। और अनुवर्ती संख्या क्या हुई? नौ। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। किसी भी संख्या की उसकी पूर्ववर्ती संख्या उससे एक कम उसके ठीक आगे वाली संख्या होती है, और अनुवर्ती संख्या किसी भी संख्या की ठीक बाद वाली मतलब उससे एक बड़ी संख्या होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी संख्या की पूर्व बढ़ती संख्या उसमें से एक घटाने पर प्राप्त होती है और अनुवर्ती एक जोड़ देने पर। क्लियर हुआ ना सभी को? yes, चलिए क्लैपिंग करिए इनके लिए। यस यस गो। अब दूसरे किसी को बुलाते हैं हम भाई। ग्यारह। कितनी संख्या है तुम्हारे पास? ग्यारह। अब ग्यारह की पूर्व बढ़ती संख्या किसके पास है? पूर्व बढ़ती कितना है तुम्हारे पास? दस। अब उसकी अनुवर्ती संख्या कितना है तुम्हारे पास? बारह। बारह। तो ग्यारह की अनुवर्ती संख्या कितनी हुई? बारह। बारह श्योर। और पूर्व बढ़ती? सभी को क्लियर हो गया ना? अच्छे से कर पाएंगे ना?